हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी बेसिस पार्ट वन अकेडमी। तो आज शाम 5 बज चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाई फाई स्टडी पे, जहां हम लोग एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब एमटीएस एग्जाम आपका स्टिल है। हेलो माय डियर, तो गुड इवनिंग, नमस्कार, क्या हाल है भाई, कैसे आप लोग? अमरजीत, नीशु, मुस्कान, गिरीश, सचिन जी, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप लोग? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। नहीं, चलिए, तो आज फिर से 40 सवाल की वो धूम मचेगी, और इस बार 40 सवाल में ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत मजा आएगा। अगर आप रेगुलर हो और अगर फिर भी आपके 40 में से कम 5 नेगेटिव करते हुए 35 अगर ना आए तो फिर क्या कहने, क्योंकि यार अब तक तो कम से कम 35 तो आने चाहिए, 35 क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। नमस्कार भाई, कैसे हो आप लोग, क्या हाल है? गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा होगा। बिल्कुल, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कमिटमेंट करिए कि भाई 40 में कम से कम 35 लेकर आएंगे, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर बिल्कुल मैं 40 में 35 लेकर आने वाला हूं आज। अब देखो, जो आप परेशान होते हो कि सर हमारे जीएस बिल्कुल वीक है, कैसे क्या करूं, तो क्यों जरूरी है प्लस, ये पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोर्स चल रहे हैं इंडियन हिस्ट्री बेसिक टू एडवांस, कई सारे फीचर्स हैं माय डियर। एक बार आने के बाद आपको ये लगेगा कि सर कितनी ज्यादा खूबियां, कितनी ज्यादा विशेषताएं हैं, और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर, केवल जीएस नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और जिनकी क्लास यूट्यूब पे लगती है जो एसएससी में पढ़ाते हैं उनकी तो क्लास मिलेंगी। इसके अलावा आप उन सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो जो यूट्यूब में नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल उनकी सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो कहाँ, एसएससी कैटेगरी में, ठीक है भाई। तो अभी आप देख सकते हो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, जो फी है, फी स्ट्रक्चर है, अभी एडिशनल आपको 8 महीने मिलते हैं इसमें, इसमें आपको 4 महीने मिलेंगे, इसमें आपको 2 महीने एक्स्ट्रा एडिशनल मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक नया रूप दिखेगा। अगर आप तैयारी कर दो बीपीएससी की या तैयारी कर दो झारखंड की, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो स्टैटिक जीके के लिए। रही बात झारखंड के लिए, तो उसका स्पेशल से करा दिया जाएगा यूट्यूब में, आप ज्वाइन जरूर करें, बहुत फायदा नजर आएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू किए हैं तो आप ज्वाइन करिए, ना किए हैं भाई तो अब कर लो, क्योंकि सीबीटी 1 में आपके मार्क्स कितने आए थे ये आपको पता ही है कि कहाँ है ना। ये भी कोर्स 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसका प्राइस अभी तक हाइक नहीं हुआ है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करके सब फायदा जरूर उठाइए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर 1 देखें। द काचिन हिल्स मेक अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स, कहता है काचिन पहाड़ियां भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच एक सीमा बनाती है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन। हाँ, आज 6:05 में शाम को भी क्लास है, आज 6:05 में भी क्लास है आपकी अनअकैडमी पे, ठीक है। तो क्या होगा, काचिन पहाड़ियों की बात करें भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा रेखा बनाती है, किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। अगर आप म्यांमार की बात करें तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि म्यांमार के किस जेल में बाल गंगाधर तिलक को कैद करके रखा गया था, माय डियर, जल्दी। तो काचिन हिल्स म्यांमार के काचिन राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है और ये भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाती है। तो म्यांमार में कहां? रंगून। कहां पे? रंगून। कहां पे रखा गया था? मांडले जेल रंगून, है ना, मांडले जेल रंगून, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर।
तो कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करेगा? असम, क्योंकि भाई असम बीच में है। असम किससे सीमा साझा करेगा? ये बांग्लादेश से सीमा साझा करेगा। ये किससे सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से सीमा साझा करता है असम, याद रखना। और उत्तर प्रदेश के बाद, यूपी के बाद अगर कोई ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है तो वो असम है। कितने राज्यों से, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है। 7 राज्य है क्या? बिल्कुल। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो वो अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर भारत में। और यूपी से अगर आप देखोगे तो यूपी 8 राज्य और 1 यूटी। और असम की बात करें तो कितने राज्य असम की? 7 राज्य है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, म्यांमार और भारत 1643 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत अंडमान सागर में, आपको याद होगा कि म्यांमार के साथ एक सीमा साझा करता है। हिमालय अपने पूर्व की ओर, पूर्वोत्तर भारत के साथ ऐसे मिल जाती है, अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। अराकान योमा के नाम से जानी जाती है, किस नाम से माय डियर? अराकान योमा के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। किस नाम से? अराकान योमा, है ना। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया बाय कैपेसिटी? तारापुर, कैगा, काकरापार, कुदमकुलाम, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, असम की बांग्लादेश से सीमा 2 बार लगती है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। कौन क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? Which among the following is the largest nuclear power station of India by capacity? तो क्या होगा भाई? कुडनकुलाम। ये कहाँ बच्चे? कुडनकुलाम की बात करें तो तमिलनाडु। याद रखने का सबसे सरल तरीका, बहुत मजेदार, कैसे याद रखें माय डियर? तो भाई तमिलनाडु में कैसे याद रखें? तमिल कुक। कैसे याद रखें? तमिल कुक। सर तमिल कुक से क्या याद होगा? दो तमिलनाडु में दो हैं, एक कुदनकुलाम और एक कलपक्कम, ये दोनों के तमिलनाडु। काकरापार की बात करें तो ये कहाँ जाएगा? ये गुजरात। तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र। और कैगा की बात करें तो ये कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, याद रहेगा। तो याद रखिएगा कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है, क्योंकि CBT 1 में कई बार पूछा गया और आपके SSC में भी कई बार पूछे जाते हैं ये। गॉट इट? इसे समझते चलना, लिखते चलना, याद रखते चलना, रिमेंबर में रिमेंबर करना जरूर। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भाई, जिसमें कुल 2000 मेगावाट स्थापित और आगे 2000 मेगावाट निर्माणाधीन है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 4000 मेगावाट की बात की जा रही है, 4000 मेगावाट की बात की जा रही है, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत में मिट्टी के ज्वालामुखियों के एकमात्र ज्ञात उदाहरण है, जिसे स्थानीय रूप से जलकी कहा जाता है, क्या होगा? ये साउथ वाले इतना लंबा नाम क्यों रखते हैं बेटा? इसलिए रखते हैं ताकि आपको याद रखने में थोड़ी परेशानी हो, याद रखने में थोड़ी परेशानी हो, इसीलिए तो रखते हैं। अगर ये इतना लंबा नाम याद नहीं रखेंगे तो आप याद कैसे करोगे? सो बताओ, जरा बताओ क्या होगा भाई? बाराटांग, क्या नाम है यार, कितना मस्त नाम है, बाराटांग आइलैंड, जो मडी आइलैंड है ये। क्या कैसा आइलैंड है? मडी आइलैंड है ये। कैसा आइलैंड है माय डियर? मडी आइलैंड, कीचड़ युक्त आइलैंड, कीचड़ युक्त आइलैंड, ठीक है। कैसा आइलैंड है ये? कीचड़ युक्त आइलैंड है, बिल्कुल याद रखिए। कई बार सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा कीचड़ युक्त आइलैंड है, तो बाराटांग आइलैंड जो एक मडी आइलैंड है, ठीक है भाई। कौन सा निकाय भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑर्गेनाइजेस द भारत रंग महोत्सव? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकादमी, बताइए। सवाल नंबर 5, अरे 12 टांग है, मुर्गी का टांग में समझना, ठीक है। तो क्या होगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NCD,
एनसीडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो कौन सा बॉडी है जो भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता है? माय डियर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एनसीडी है, क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सॉरी एनएसडी, माफी चाहेंगे, एनएसडी, क्या है? एनएसडी है ना। तो महोत्सव की स्थापना 1999 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के वार्षिक थिएटर उत्सव के रूप में की गई है। बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को आकर्षित किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत रंग अब इसे एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है, याद रखिएगा, यह अब एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। और एनएसडी, एनएसडी कह रहे हैं, एमएसडी मत समझना, एमएसडी मत समझ लेना, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन थे? हाँ भैया, परेश रावल इसके मुखिया हैं, हेड हैं, इसीलिए बाबू भैया कह रहे हो आप। हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन थे? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, क्वेश्चन नंबर 6। तो कौन है भाई? जॉन मार्शल। जब हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई 1921 ईस्वी की बात है, तब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे माय डियर। कौन थे? जॉन मार्शल थे। जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी 1921 में, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी या आर डी बनर्जी, दोनों आपके ऑप्शन हैं, आपके ऑप्शन दोनों हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की, जो इंडस के किनारे है, सिंधु के किनारे है, जो इंडस के किनारे है, याद रखना, ठीक है भाई। आगे देखिए, द होम ऑफ गार्गी मैत्रे एंड कपिला वाज एट, गार्गी मैत्रे और कपिला का घर था, तो कौन सा घर था? विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला, क्वेश्चन नंबर 7। द होम ऑफ गार्गी मैत्रे एंड कपिला वाज एट, गार्गी मैत्रे और कपिला का घर कौन सा था? विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला, क्या होगा? तो भाई क्या होगा भाई? मिथिला यानी बिहार। अच्छा जरा बताना, इन सब का संबंध किस सभ्यता से था? इन सब का संबंध किस सभ्यता से है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इन सब का संबंध वैदिक सभ्यता से है। और ये विदुषी थी, विदुषी यानी विद्वान का उल्टा, विदुषी है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, गार्गी मैत्रा और कपिला, ठीक है भाई। तो गार्गी मैत्र और कपिला सभी वैदिक सभ्यता के महान दार्शनिक थे और इनका संबंध मिथिला बिहार से है, ठीक है, मिथिला बिहार से है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? शिवनेरी, पुणे, रायगढ़, पुरंदर, क्वेश्चन नंबर 8। शिवाजी के राज्य की राजधानी बच्चे रायगढ़। और याद होगा मूवी आई थी तानाजी, देखा नहीं, कोंढाणा, औरंगजेब क्या चाहता था? दक्षिण भारत में कोंढाणा को राजधानी बनाना चाहता था माय डियर, कोंढाणा को, तो रायगढ़ इनका राजधानी रहा है। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, शिवाजी ने राज्याभिषेक किस वर्ष अपना राज्याभिषेक किया, किस वर्ष शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाए, किस वर्ष करवाए अपना राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक किस वर्ष करवाए, जल्दी क्विक, किस वर्ष अपना राज्याभिषेक करवाए? और इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? शिवनेरी के किले में, याद रखिएगा, शिवनेरी के किले में, याद रखिएगा। अपना राज्याभिषेक शिवाजी महाराज कब करवाए थे जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1674 है क्या? 1774 ना बेटा, 1674, 1674, 1774 कहोगे तो ये इस समय है जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहा है, तो कहाँ यहाँ होगा औरंगजेब? 1674 इज करेक्ट, ठीक है। 1627 में जन्म
कहीं कहीं 1630 मिलता है, तो 1627 में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया और 1674 में वे मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में अपना ताज ग्रहण किए। ठीक है, आगे 1802 के बसेन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड, फ्रांसीसी तथा बाजीराव सेकेंड, डच तथा बाजीराव सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बात है, राजपूत साहब तो आज पूरे फॉर्म में है भाई। हाँ, 1680 में मृत्यु हो गई शिवाजी महाराज की, तो भाई या तो का अंग्रेज और बाजीराव सेकेंड। जरा बताइएगा अंतिम पेशवा कौन है, लास्ट पेशवा कौन थे, अंतिम पेशवा कौन थे माय डियर, अंतिम पेशवा, लास्ट पेशवा। पहले पेशवा की बात करें बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा। ठीक है, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड अंतिम पेशवा हैं। ये अंतिम पेशवा लास्ट पेशवा है, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड हैं और पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तो बसई की संधि, जिसे बसेन की संधि कहते हैं, 31 दिसंबर 1802 को हुआ था, भारत के पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। यह मराठा महासंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था और इसके फलस्वरूप 1818 ईस्वी में पेशवा के पश्चिमी भारत के क्षेत्रों का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय का मार्ग प्रशस्त हो गया था, बिल्कुल याद रखना। मैंने पहले पेशवा भी बताए और अंतिम पेशवा भी बताए, याद रखना बिल्कुल। आखिरी पेशवा कौन है? बाजीराव सेकेंड, जो खड़की के युद्ध में, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में इनका बिल्कुल पतन हो गया था। आगे देखो, हरियक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? विच रूलर ऑफ द हरियक डायनेस्टी वाज कॉल्ड कुणिक? बिंबिसार, उदयन, आजाद, शत्रु, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ बच्चे क्या होगा। हरियक वंश के किस शासक को कुणिक कहते थे बच्चे? गुड इवनिंग माई डियर। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था, याद रखना। इसे पितृहंता भी कहते हैं, इसे पितृहंता यानी पिता का हत्या करने वाला कहते हैं अजात शत्रु को। बिंबिसार का सुपुत्र, बिंबिसार हरियक वंश का फाउंडर है, उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना की और उदयन अजात शत्रु का सन है, यानी उदयन के दादा कौन थे? तो बिंबिसार हैं, यानी बिंबिसार का पोता कौन है? तो उदयन है। चीजों को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अजात शत्रु की बात करें तो पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में ईसा पूर्व में कहां पर? राजगिरा में कराया गया था अजात शत्रु के समय में, याद रखिएगा। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की सुविधा कैसे है? महाभियोग की शक्ति, अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों का नामांकन, सदस्यता का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 11, आप देख रहे होंगे कि अभी सब सेक्शन से क्वेश्चंस कराए मैंने, ज्योग्राफी से कराया, मिडिवल इंडिया से भी होगा, मॉडर्न इंडिया से था, एंशियंट से था, पॉलिटी से था, सब सारे सेक्शन से क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। बॉबी मैं बुक से ना कराता, बिल्कुल थ्योरी से करा देता हूँ, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह से। तो क्या होगा? महाभियोग की शक्ति, विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की शक्ति है। किस आधार पर? विधान परिषद से महाभियोग की शक्ति। कैसे? देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा का भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, विधान परिषद का भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, बिल्कुल सर भाई। सदस्यों का नामांकन 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करेंगे, वैसे ही विधान परिषद में गवर्नर नामित करते हैं, याद रखिएगा। सदस्यता के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल कार्यकाल किसका? 6 साल कार्यकाल राज्यसभा का भी है और विधान परिषद का है। केवल अंतर है महाभियोग की शक्ति, जहां राज्यसभा महाभियोग में भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? याद रखना अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 19A, 19B, 19C, 19G, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए क्या होगा? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, यानी इंटरनेट की स्वतंत्रता किसमें आएगा? 19A। याद होगा आपको ये मूल अधिकार आर्टिकल 19 में शुरू में 7 अधिकार था, अभी वर्तमान में 6 अधिकार हैं। तो क्या क्या है, कैसे याद रखें? बहुत आसान। 19 का ए बोलने की आजादी, 19 का बी सभा करने की आजादी, 19 का सी संगठन बनाने की आजादी, 19 का डी भारत भ्रमण की आजादी, 19 का ई भारत में कहीं भी बसने की आजादी, और 19 का एफ जो है वो संपत्ति का अधिकार है, ये हटा दिया गया। तो कैसे? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसे लाया गया लीगल राइट में, यानी जितनी भी संपत्ति कमाई है आप सरकार को टैक्स देते रहिए 300A में, और 19G में क्या है? तो भाई कोई भी व्यापार वृत्ति व्यवसाय अपनाने की आजादी 19G में। ये आपके 6 अधिकार हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। अरे सारे क्वेश्चन को ऑप्शन को चीर फाड़ तो कर दे रहे हैं, अब अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या कहूं बताओ। कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को है, लेकिन संसद जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल याद रखना है ना। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी? किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? किसके पास है? तो भाई राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति है तो संसद के पास, देखा जाए कायदे से तो संसद के पास है, लेकिन संसद कानून बनाएगी, लेकिन वो कानून को जो ये राष्ट्रपति क्या है, ये कार्यपालिका प्रधान है, कार्यपालिका प्रधान है, क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं? किस राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महालेखा परीक्षक? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा? Who acts as the President of India? कौन काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। क्या कहा? ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तब CJI के रूप में काम करेंगे। याद करिए एक बार ऐसा घटना घटा है, कैसे? जब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बनने के लिए पद पर चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो अब देखो राष्ट्रपति का भी सीट खाली, उपराष्ट्रपति का भी सीट खाली, तब मोहम्मद हिदायतुल्ला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, याद रहेगा एक बार ऐसा घटना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, हार्मोन का नाम बताइए जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी यानी पश्चवर्ती पिट्यूटरी द्वारा जारी की जाती है? ऑक्सीटोसिन, TSH, प्रोलैक्टिन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? तो वो हार्मोन जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी जारी की जाती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। क्या है भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी द्वारा जारी किए जाते हैं, पिट्यूटरी द्वारा जारी किए जाते हैं। ये पिट्यूटरी का निर्माण नहीं करता, ये क्या करता है? स्टोर करता है और फिर जारी करता है, स्टोर करता है और फिर जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, PVC is obtained by the polymerization of
पीवीसी के बहुलककरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त करते हैं? प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड, अस्टायरिन, एसिटिलिन। क्वेश्चन नंबर 17, आप देख पा रहे होंगे 40 क्वेश्चन में सारे सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो पीवीसी के बहुलककरण की बात करें, विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, फुल फॉर्म निकालो ना, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, वही है, वही पूछा है आपसे। तो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से बनता है, जिसका उपयोग हम रेनकोट के रूप में, पानी के पाइप के रूप में, हैंडबैग के रूप में यूज करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करें, पॉलीथीन किसके द्वारा बनाई जाती है? एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन, एनुलीन। क्वेश्चन नंबर 18, पॉलीथीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? पॉलीथीन इज फॉर्मड बाय, पॉलीथीन किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पॉलीथीन की बात करें, एथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा माय डियर? एथिलीन के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा बनाई जाती है, है ना? किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा, याद रखिएगा। पॉलीथीन एथिलीन का एक बहुलक है जो एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट, इन मिश्र धातुओं में से कौन सा पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बनाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, जिंक। क्वेश्चन नंबर 19, क्या होगा? तो भाई स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक गैर चुंबकीय कौन बनाता है? निकेल बनाता है, याद रखिएगा। कार्बन क्या करता है ना, कार्बन मजबूती प्रदान करता है। कार्बन क्या करता है माय डियर? मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और क्रोमियम का लेप ये जंग लगने से बचाता है, ये जंग लगने से बचाता है। ठीक है यार, जंग लगने से बचाता है। सवाल आप समझ नहीं पाए, सवाल क्या पूछा कि कौन नॉन मैग्नेटिक के रूप में काम करेगा? तो कार्बन क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। क्रोमियम क्या करेगा? जंग लगने से बचाएगा। निकिल क्या करेगा? गैर चुंबकीय बनाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे देखो, नेक्स्ट, निकेल के साथ मिश्र धातु के संयोजन से स्टेनलेस स्टील गैर चुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता हासिल करने के लिए अतिरिक्त कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2, HE, HG, H2S। क्वेश्चन नंबर 20, देखो, एक बच्ची कह रही है करुणा के कितने पागल हूँ, उस क्वेश्चन में ऑल लगा दी। तो करुणा जी, मैंने किसी कोई तो कहा नहीं कि आप पागल हो। अब आप खुद अपने आप को क्यों डिफाइन कर रही हो कि मैं पागल हूँ? ऐसा मत बोलो यार, बच्चे हो अभी तो, सीखने की उम्र है। देखो, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा हो जाता है? H2 हाइड्रोजन नहीं, हीलियम नहीं, पारा नहीं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी तो बच्चे हो, अभी तो सीखने की उम्र है आपकी। आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, एक ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की एक विशिष्ट गंध होती है। इसमें आम तौर पर हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, सीवर गैस और बदबू वाले नम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक ना भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता है? Which of the following alloys does not contain copper is one of the constitution? बताओ क्या होगा? बताओ बच्चे, क्या होगा? सोल्डर। तो किसमें तांबा नहीं? देखो, पीतल में तो है ही, जर्मन सिल्वर में है ही, गन मेटल में है ही, क्योंकि जर्मन सिल्वर सिल्वर का अयस्क नहीं है, ये क्या है? एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। तो किसमें होगा? सोल्डर में तांबा नहीं पाए जाएंगे। किसमें? सोल्डर में तांबा नहीं पाए जाएंगे। सोल्डर में क्या होगा बेटा? सोल्डर में लेड यानी सीसा होगा,
और तीन होगा, सीसा और तीन होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, सोल्डर एक मिश्र धातु है जो आमतौर पर टीन और शीशे से बना होता है, जिसे गर्म लोहे का उपयोग करके पिघलाया जाता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर ओनली ऑन हीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा धातु केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होगा? कौन सा धातु केवल गर्म पानी के साथ ही अभिक्रिया करेगा? जिंक, लोहा, कैल्शियम, क्या होगा? तो देखा जाए तो Mg, मैग्नीशियम, ये केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या होगा? Mg होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम केवल गर्म पानी के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, या गर्म होने पर भाप से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड प्रदान करता है, क्या होगा? Mg होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 23, बताइए क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 23। तो भाई चांदी। ठंडा पानी के साथ बेटा लोहा को अगर मैं छोड़ दूंगा ठंडा पानी में, बारिश में, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा ना, जंग लगेगा ना, लोहा रख लो, ठीक है। तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्युमिनियम है, और देन आयरन है, यानी सिल्वर, इसके बाद कॉपर, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद लोहा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड सेफ्टी एलिवेटर? रे टॉमसन, एलिसा ओटिस, डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक, जोसेफ हेनरी, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी। हु इन्वेंटेड सेफ्टी एलिवेटर? सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? एलिसा ओटिस। अरे भाई सेफ्टी एलिवेटर यानी जो लिफ्ट है, लिफ्ट का आविष्कार की बात कर रहा है, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? एलिसा ओटिस ने किया है। जबकि जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे रे टॉमसन ने क्या किया था, रे टॉमसन ने क्या किया था, जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, रे टॉमसन ने क्या किया था, जल्दी, रे टॉमसन ने क्या किया था भाई, रे टॉमसन ने क्या किया था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, रे टॉमसन ईमेल है क्या, रे टॉमसन ईमेल है क्या, अगर ईमेल होगा तो जरा थंब दिखाना, बिल्कुल सर ईमेल है, आगे देखो। नेटबॉल के गोल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 15 फीट, क्वेश्चन नंबर 25। माउस नहीं होगा, माउस डगलस एंजल बॉट, माउस का आविष्कार डगलस एंजल बॉट ने किया था, याद रखिएगा, माउस मत करना, चूहा गलती हो जाएगा, ठीक है। नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई की बात करें क्या होगा, तो 10 फीट होगा, याद रखिएगा, कितना, 10 फीट। देखो भाला जो नीरज ने फेंका है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम लोग, उसका वजन पूछा था इस बार MTS में 800 ग्राम, तो हो सकता है ऐसे सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। तो नेटबॉल गोल पोस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 3.05 मीटर या 10 फीट होता है आपके सामने है, या 10 फीट होता है आपके सामने है, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, स्वांग इज अ फेमस, स्वांग एक प्रसिद्ध कला है, कहाँ, कैसा कला है वो? डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, यानी कढ़ाई है, क्या होगा? सवाल नंबर 26। स्वांग क्या है भाई? स्वांग एक प्रकार का डांस है, स्वांग एक प्रकार का नृत्य है, डांस है, ठीक है। तो स्वांग, सांग को स्वांग के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा में ये लोकप्रिय लोक नृत्य व नाटिका किया जाता है, ठीक है।
सॉन्ग क्या है, एक प्रकार का डांस है, याद रखना। ठीक भाई, आगे देखो नेक्स्ट। द ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वीनर? क्वेश्चन नंबर 27। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। कब? 1900 ईस्वी में। कहीं कहीं उसे 1901 लिखता है, तो गलती मत करना। ठीक है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, और विलियम हॉर्वे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण हिंदी में कहें तो विलियम हॉर्वे ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पहले एंटीबायोटिक जो हैं वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद होगा आपको, है ना। और लैंडस्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर, जो ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका? क्वेश्चन नंबर 28। हाँ भाई, पेनिसिलिन जो कवक से तैयार होता है। तो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की बात करें, रियल एक्सिक्यूटिव की बात करें, टू एक्सिक्यूटिव की बात करें, तो आपको पता है कि मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद के पास जाएंगे, साथ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे सीएम होता, राज्य की बात कर रहे हैं, और अगर केंद्र में देखें तो हम पीएम होता, कैबिनेट लगा देंगे यहाँ, है ना। और केवल अगर एक्सिक्यूटिव की बात करते तो सेंट्रल में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर होता। ठीक है भाई, आगे देखिए। डैश भारत के स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, नाम क्या है? विशाल, गर्व, तेजस, धनुष? क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। डैश भारत के स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान क्या है? तेजस। क्या है भाई? तेजस। ठीक है, याद रखिएगा, आगे देखिए। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी? आनंद नीलकंठन, यासर उस्मान, रवि थापा, ऋषि कपूर? क्वेश्चन नंबर 30। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पढ़ा चुके हैं, यासर उस्मान। कौन है भाई? यासर उस्मान इसके राइटर हैं। कौन है? यासर उस्मान इसके राइटर हैं। तो रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? यासर उस्मान है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर रसिन बांध का उद्घाटन किया है? वाराणसी, चित्रकूट, कुशीनगर, गोरखपुर? क्वेश्चन नंबर 31। एट विच प्लेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हैज इनोग्रेटेड द रसिन डैम? तो क्या होगा? चित्रकूट। गोरखपुर मत लगा देना, गोरखपुर से वो सांसद थे। अभी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा क्षेत्र से सदस्य हैं? यूपी के। यूपी के किस विधानसभा क्षेत्र से ये सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ जी, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है भाई, आगे देख। कौन प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सांसद बने हैं? अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, किरेन रिजिजू? सवाल नंबर 32। भाई वो विधान परिषद के सदस्य हैं यूपी से, याद रखना, विधानसभा के सदस्य नहीं है। इसलिए जितने भी गोरखपुर लगाए वो अपना जवाब बदल दीजिएगा, गोरखपुर से वो सांसद थे। तो प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सांसद की बात करें, वो अनुराग ठाकुर हैं। कौन है माय डियर? अनुराग ठाकुर हैं, याद रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को कहाँ? तो 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के भाजपा सांसद हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। जिनको कौन नियुक्त किया? तो भाई तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीरेश सुहाग ने नियुक्त किया था, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ भाई, खेल मंत्री भी हैं, बिल्कुल। किसने स्वामी
चिद्भवानंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल, ओम बिड़ला, रमेश नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, क्वेश्चन नंबर 33। तो किसने चिद्भवानंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसने किया भाई? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, ये याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, किस भारतीय अभिनेता को 2021 फिल्म अकाइवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, अनुपम खेर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन एक्टर विल बी कन्फेयर्ड विथ द 2021 फिल्म अकाइवा अवार्ड? क्या होगा ये? अमिताभ बच्चन है। कौन है भाई? अमिताभ बच्चन है ना। नेक्स्ट की बात करें, 2022 में भारत दांडी मार्च समारोह के किस संस्करण का जश्न मनाएगा जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? इन 2022 इंडिया विल सेलिब्रेट विच एडिशन ऑफ दांडी मार्च सेलिब्रेशंस विच वाज लीड बाय महात्मा गांधी? 90th, 91st, 92nd या 100th? क्या होगा बताइए। 2022 में भारत दांडी मार्च समारोह के किस संस्करण का जश्न मनाएगा? किसका जश्न मनाएगा भाई? 92वां मनाएगा, 92nd मनाएगा। कैसे? आप खुद से देख लो, दांडी मार्च 1930 में हुआ था और अभी 2022 मैंने पूछा, तो 2022 में 1930 माइनस करेंगे कितना होगा? 92 साल होगा ना, 92 ईयर्स होगा ना। 2021 में 91st है, याद रखिएगा। 2022 पूछा तो 92 सीधा सा माइनस कर देते, क्योंकि आपको याद है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की थी गांधी जी ने, साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, किस राज्य के शासित प्रदेश ने दक्षिण भारतीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकेडमी की स्थापना की है? तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, लद्दाख, कुशल में 36। तो किस राज्य के शासित प्रदेश ने, दिल्ली ने, एक तमिल अकादमी की स्थापना की है ताकि दक्षिण भारतीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके? ठीक है भाई, दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली होगा, याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान चलाया जाना है? नो योर कंट्री, नो योर स्टेट, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 37। एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ द लोकसभा स्पीकर विच कंपेन इज टू बी अंडरटेकन इन स्कूल एंड कॉलेजेस? क्या होगा? तो भाई, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो, KYC, नो योर कस्टमर। लेकिन यहां पे KYC क्या है? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो, याद रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उन्होंने घोषणा किया कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने नाम से एक अभियान शुरू करेगी। तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वैनेडियम डिपॉजिट हो सकते हैं? झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, क्वेश्चन नंबर 38। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम डिपॉजिट हो सकते हैं, है ना। ओडिशा की बात करें तो यहां पर आपका क्या होगा? मैग्नीज। यहां पर क्या होगा? तो अल्मोनियम का ओर, बॉक्साइट। झारखंड की बात करें माइका, कोयला। राजस्थान की बात करें सीसा, जस्ता। ठीक है, आगे देखिए। तो वेनेडियम बच्चे एक उच्च मूल्य की धातु है, मेटल है, जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा ना। आगे देखिए, यूएस ने हाल ही में, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक नामित किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्यूबा, इराक, 39।
बताइए क्या होगा। यूएसए हैज रिसेंटली नेम्ड विच कंट्री एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्यूबा, इराक, क्या होगा? सवाल मत हटी ना ही। क्यूबा, क्या बात है धीरज, जवाब बहुत शानदार। गिरीश का भी जवाब आया बहुत बढ़िया, पुनीत का भी जवाब है ना, तो क्या होगा भाई? क्यूबा, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। पिछले ओबामा प्रशासन ने इसे हटा दिया था, जबकि क्यूबा को पहली बार 1992 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों को बार बार समर्थन प्रदान करते हैं। सूची सबसे पहले 1979 में जारी की गई थी, जिसमें इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन शामिल था, ठीक है। आगे देखिए, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएशन बिल, सॉरी 110, 112, 114, 275, सवाल नंबर 40। क्या होगा भाई? विनियोग विधेयक की बात करें तो 114, 110 मनी बिल है, याद रखिएगा। 112 ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, जो हम बजट कहते हैं। 275 से केंद्र सरकार राज्य को अनुदान प्रदान करती है, ये आपके सामने। तो ये था 40 में 40। अब जरा बताओ कितने मार्क्स आए आपके 40 में, कितने सही हुए? सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 114 में की गई है, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन, 40 में कितने सही हुए जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर सेशन अच्छा लगा हुआ यार तो लाइक वाइक किया करो। आप हमारे साथ इसी तरीके से जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जबरदस्त तरीके से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहां 13 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, कहां पे? 12:40 पे, 12:40 PM, ठीक है भाई। जिसका प्राइस बहुत नॉमिनल रखा गया माय डियर, यहां पर ज्वाइन करने से आपकी जो सारे परेशानी है बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट होंगे। अब जब भी ज्वाइन करना, हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेलवे स्पायरेंट हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो टाइमिंग 9:05 पे सुबह, ठीक है भाई। प्राइस अभी तक हाइक नहीं हुआ, आप जरूर याद रखिएगा। और प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, पार्टिसिपेट जरूर करिए। और 1 से 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर कल इसी समय शाम को 5 बजे।